गाइस फोन गंदा होने की पूरी पूरी संभावना मेरे को लग रही है। जाते ये रहे साजिद भाई के डोल ले ऐसा बनाना साजिद भाई। ओ आई लव दिल्ली भाई। मैं अच्छे अरने भी है ना भाई। देखो ये डाउट मेरे को क्लियर करना था कि मैंने टर्बो एक्सट्रीम लेफ्ट क्यों कर दिया, और भाई मैंने कर दिया है क्लियर। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल जाकिर अंसारी। तो क्या हाल है आप सभी के? आज का भाई ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सीधा मोटर ब्लॉग से। आज मेरी बसंती मेरे साथ है, और भाई मैं किसी काम से गया था और मैं जा रहा हूँ घर अपने, और ये हमारा इंडियन फ्लैग जय हिंद जय भारत भाई। और अभी तो हो रहा मौसम बहुत ही सुहाना, आज का बारिश हो रही है एंड मेरे फोन पे भाई साहब बारिश पड़ रही है। मेरे को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास है आईफोन एंड ये आईफोन जितने भी होते हैं सारे वाटर प्रूफ है, और हवा लग रही है भाई बहुत तेज। ओ भाई आंधी देख रहे हो, आंधी देख रहे हो, ये देखो सामने मिट्टी मिट्टी इतनी उड़ रही है बहुत ज्यादा। गाइस अभी सीन क्या है, मैंने अपने हेलमेट में फोन तो मैंने लगा लिया, बट फोन भाई साहब भारी होने की वजह से ना हेलमेट एकदम नीचे जा रहा है मेरा, और है ना आंखों के ऊपर आ रहा है। ये हेलमेट ना मैं लूज है बहुत, मेरे को दूसरा हेलमेट लेना पड़ेगा मोटर ब्लॉक करने के लिए, उसमें मेरे को माउंट फिट करना पड़ेगा, और जब जाके थोड़ा बहुत ठीक होगा, क्योंकि है ना हेलमेट बार बार नीचे जा रहा है भारी होने की वजह से, और ये मेरा लूज भी है। ओडी 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 ओडी। देखो मेरी ड्रीम कार तो है BMW, हवा भी आ रही होगी बाहर की बहुत नॉइज आ रही होगी, मेरी आवाज का पता नहीं है कि क्लियर आ रही होगी नहीं आ रही होगी, बट बाहर की आवाज मेरे को पता है पूरी पूरी क्लियर आ रही होगी। गाइस फोन गंदा होने की पूरी पूरी संभावना मेरे को लग रही है, एंड मैं अभी जब हेलमेट से फोन निकालूंगा ना अपना, जब पता लगेगा क्या हालत हुई है मेरे फोन की। तो गाइस अभी चलते हैं जिसान की दुकान पे, एंड उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये खड़ा हुआ रहेगा, ये खड़ा हुआ। हाँ भाई वो फोन गंदा हो गया मेरा, अभी लगाते हो गाड़ी साइड, इसकी FZ ये खड़ी भाई आ गए इसकी दुकान पे, इससे बातचीत करते हैं। वो फोन गंदा हो गया, फोन गंदा हो गया भाई, मिट्टी मिट्टी चलेगी भाई। आ चुका है जिसान की दुकान पे, पहले फोन निकाल लेते हैं। Later that night. So भाई फाइनली हम पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं। हमेशा मेरी गाड़ी में धक्का लगता था भाई, आज साजिद भाई की स्कूटी में धक्का लगता, अगर पेट्रोल पंप पे नहीं पहुंचते देखो कहां पहुंची बढ़िया सुई। ओए होए होए साजिद भाई पेट्रोल वेट्रोल डलवा के रखा करो यार, क्या कैसे चलेगा ऐसा काम। पहुंच गई मैं तो यही सोच रहा था, अभी झटका मारने लग गई थी। निहाल भी और जो द्वारका हो गए, कोई नहीं अभी पेट्रोल डलवाते हैं, वो चलते हैं अभी किसी काम से जा रहे हैं अपन। मैं अभी सो के उठ कर आया हूं भाई, तो भाई मैं अभी आया हूं जिम से, जिम से सीधा साजिद भाई ने उठा लिया, जिम में ही आ गए। मैंने फोन नहीं उठाया, मेरा फोन घर पे रखा हुआ था चार्जिंग पे लगा हुआ था, वो तो भाई साजिद भाई ने सीधा जिम से उठा लिया। फर्क पड़ रहा है, साजिद भाई नजर कहाँ से लगेगी, भाइयों की नजर नहीं लगती कभी भी यार, लड़कियों की जरूर लग जाती है। साजिद भाई के डोल ले ऐसा बनाना साजिद भाई। अभी तो मैं खत्म पड़ा हूं रमजान में छोड़। मेरा ये देखो ये आ रखा बात, टोंड आ रखी है मेरी बात, फैमिली पैक भाई इनका तो वन पैक है, मेरा फैमिली पैक है पूरा। अभी मैं टी शर्ट ऊपर करके दिखाऊंगा ना, पता लगेगा कितना आ रखा है। देख तुझे रमजान के पहले की फोटो दिखाता हूं, देख। ओह माय गॉड भाई सिक्स पैक्स आ रहे हैं, ओहो आगे ले लो फिर पेट्रोल लगा लो। भैया कहाँ खो गए, लगाओ। और साजिद भाई ने मेरे को ऐसे तो उठा लिया भाई, जब से पता है किस चीज की तलाश में, उबले हुए अंडे की भाई। ओ भाई अंडे ही नहीं मिले मेरे को, नहीं मिले ना भाई, मैं गाना गाऊंगा फिर, मेरा डोला नहीं आया डोला। तो भाई अभी पेट्रोल डलवाते हैं फिर चलते हैं। मैच Later. तो भाई चलो भाई चलते हैं। तो भाई तो जा रहे बरेली, भाई का ओला आ चुका है और भाई को छोड़ गए रेलवे स्टेशन, और हम चलते हैं अपने घर वाले स्टेशन, मिलते हैं। ठीक है सलाम वालेकुम भाई, चलो भाई भाई सलाम वालेकुम, ओके भाई ओके भाई आराम से जाना भाई, कल को मिलते हैं वहीं पे। कल को साजिद भाई और हम निकल लेंगे सीधा बरेली की गाड़ी उठा गया साजिद भाई, फिर भाई साहब सबके सब चौक जाए, अभी मना कर रहे थे। तो भाई अब चलते हैं घर, और घर पे जाना है अभी, घर जाना है यार, मजा आ रहा है ऐसे। चलो गेड़िया मारते रात को ऐसी, ओके भाई क्या बढ़िया लग रहा है रात के टाइम इतना लहराते हुए। आई लव दिल्ली, आई लव अपना इंडियन फ्लैग, एंड अभी भाई हवा चल रही है बहुत ही बढ़िया भाई, मजा से आ रहा है। अरे साथ में भाई जामा मस्जिद निकले क्या, ज्यादा हो गया है भाई, ऑफिस ऑफिस भी जाना है, सुबह काम काम खेलना भाई, काम काम भी करना है, ऑफिस भी जाना है अभी यार। भाई साहब पता है इतना थका पड़ा हूँ ना मैं तो बता नहीं सकता, मैं पहले ऑफिस से आया, ऑफिस से आते के साथ ही भाई जिम निकल लिया, जिम से उठा लिया सब, जिम से ही उठा लिया इन्होंने। मैं भाई फोन वोन कुछ भी लिया था, पहले मैं घर गया फिर फोन उठाया, वो भाई अभी तक अंडे भी नहीं खाए मैंने भाई, अंडे नसीब नहीं हुआ मेरे पास। पूरा डिनर कर लिया तूने, अब अंडे भी खाने भाई, अंडे तो खाने बनते हैं यार, देखो पनीर वनीर सब कुछ खा लिया, डिनर विनर सब कर लिया, पर अंडे भी बनते हैं भाई, अंडे से ही तो ये अंडा आएगा बाहर। भाई 11:45 हो गए अभी,
अभी, और अभी हम है द्वारका, और अब यहाँ से लगेगा अपने को कम से कम 15 मिनट तो लगेगा लगेगा, हम 12 बजे तक घर तो पहुँचे। Day 2 एंड अभी मैं जिम करके आया हूँ, पसीने इतना आ रहा था भाई, बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है भाई, इतना थक गया ना आज। फर्क दिख रहा होगा छाती वाती में मुझे, देख रहा है पेट अंदर रख के वैसे मैंने। सो गाइस कुछ टाइम पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि मैंने टर्बो एक्सट्रीम लेफ्ट क्यों किया। इस टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हो यस या नो, तो भाई हद से ज्यादा मतलब बंदों ने यस बोला है कि भाई, क्योंकि हर किसी को जानना है कि मैंने टर्बो एक्सट्रीम लेफ्ट क्यों किया। तो गाइस मैं नहीं चाहता था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, बट भाई आप लोग है ना, मतलब क्या बताओ यार आप लोगों को, मतलब भाई एक बार बंदा जब किसी यहाँ से नौकरी छोड़ता है तो अगले यहाँ लग जाता है, मतलब उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा क्यों बोलना भाई। मेरे इंस्टाग्राम पे भाई जितने भी मैसेज थे, हद से ज़्यादा मैसेज बंदों ने यू बोल रखा था कि भाई तुमने टर्बो एक्सट्रीम लेफ्ट क्यों किया, चोरी कर ली क्या, ये कर ली क्या, वो कर ली क्या, भाई गाली क्लोज, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब भाई ऐसा क्यों करते हो यार। एक बंदे ने किसी के यहाँ से जॉब छोड़ी, और इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो वहाँ से चोरी करके आया या कुछ बुरा बोल गया, लड़ाई होगी इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप मैसेज करना बंद करो इंस्टाग्राम पे, और मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करना भाई बंद करो प्लीज, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप लोगों से भाई बंद करो भाई ऐसा कुछ। पर भाई रही जॉब के बाद मैंने वहाँ से जॉब क्यों छोड़ दिया, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है भैया का हो गया था ट्रेवल चालू, तो इस वजह से भाई मैं कहीं जा नहीं पा रहा था, मेरी ना सैलरी रुक रही थी, तो भैया ने बोला कि तेरी तक सैलरी रुक रही है, मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए अश्विन भैया के पास उन्होंने मेरे को भेज दिया है। और भाई ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई वड़ाई होगी कुछ भी नहीं है, अभी भी हम बातचीत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो ये डाउट मेरे को क्लियर करना था कि मैंने टर्बो एक्सट्रीम लेफ्ट क्यों कर दिया, और भाई मैंने कर दिया है क्लियर। और भाई आप प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज भाई ये कमेंट वमेंट करना बंद करो, मैसेज करना बंद करो उल्टे सीधे। भाई मिलते हम नेक्स्ट ब्लॉग में, वेडनेसडे एंड संडे रात 8 बजे, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज, लव यू और